पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौबतिया 9534338689 7856914231 6206224713। नमस्कार, मैं हूं नीति चावड़ा और आप देख रहे हैं GH न्यूज। आइए शुरुआत करते बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन, लंबे समय से थे बीमार, पीएम मोदी और राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जताया दुख। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह का निधन हो गया, वह लंबे समय से बीमार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दुख जताया। मतदान के 48 घंटे पहले से जिले की सीमा होगी सील, भागलपुर। मतदान के 48 घंटे पूर्व से मतदान की समाप्ति तक जिले की सीमा सील रहेगी। यह निर्णय जिले के लगने वाली सीमा से संबंधित अधिकारियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर DM व SSP ने खगड़िया, बांका, मुंगेर, कटिहार, गोड्डा, साहिबगंज के अधिकारियों से बैठक की। बैठक में दूसरे जिलों से लगने वाले 44 स्थानों को चिन्हित किया गया। वहां चेक पॉइंट बनाकर जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। सीमा पर नगद राशि, शराब व हथियारों पर निगरानी रखने के लिए SDO व DSP से कहा गया। प्रवासियों के आने जाने तक सतर्कता बरतने और संदिग्धों की जांच करने को भी कहा गया। बारिश से भागलपुर की सड़कें हुई जलमग्न, चलना हुआ मुश्किल। भागलपुर शहर में शनिवार को हुई झमाझम बारिश ने नगर निगम की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। शहर की सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे चलना मुश्किल हो गया। तिलकामाझी से कचहरी चौक के बीच NH-80 जल जमाव के कारण यातायात व्यवस्था भी लड़खड़ा गई, जिससे घंटों जाम लगा रहा। वहीं वार्ड 7 के हसनाबाद व वार्ड 8 के गड़क कचहरी के अधिकांश घरों में बरसात का पानी घुस गया। भागलपुर में बन रहा राज्य का दूसरा बास्केटबॉल सिंथेटिक कोर्ट, खिलाड़ियों को जल्द मिलेगा तोहफा। भागलपुर जिले के खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का तोहफा जल्द मिलने वाला है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत सैंडिस कंपाउंड में इसका निर्माण किया जा रहा है। स्टेडियम में क्रिकेट, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन हॉल के साथ ही स्विमिंग पूल की भी सुविधा होगी। स्टेडियम में डे नाइट मैच की सुविधा। सिल्क सिटी में बढ़ी सुरक्षा, नजर आने लगे सड़कों पर जवान। भागलपुर विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही शहर में सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को नाथनगर, हबीबपुर, मुजाहिदपुर, कोतवाली, अमरपुर, तिलकामाझी, बड़ाड़ी, जीरो माइल, सबौर, ततारपुर में जगह जगह वाहनों की तलाशी शुरू कर दी गई है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी बने जदयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को जदयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने 27 सितंबर रविवार को इस आशय का एक मेल जारी किया है। मेल के मुताबिक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की इस फैसले पर सहमति है। वरिष्ठ नारायण सिंह अपनी उम्र की वजह से COVID-19 प्रोटोकॉल की परिधि में है, इस कारण वह घर से लगातार बाहर नहीं निकल सकते, इस दिनों अस्वस्थ भी चल रहे हैं। इस कारण अशोक चौधरी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। चुनाव में ताल ठोकते नजर आएंगे ये युवा चेहरे, कोई सियासी जमीन तो कोई वजूद की लड़ेगा लड़ाई। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव मैदान में पुराने दिग्गजों के बीच कुछ युवा चेहरे पर भी नजरें टिकी हुई है। ये युवा चेहरे सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन व विपक्षी महागठबंधन दोनों तरफ से है। NDA में लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, बिहार की राजनीति में एंट्री लेने वाली पुष्पम प्रियम चौधरी भी चर्चा में है। तेज प्रताप यादव के खिलाफ ताल ठोकने को तैयार उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय भी चर्चा में रहेंगी, इसकी पूरी उम्मीद है।
मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर केंद्र का आयोजन। सहरसा प्रखंड मुख्यालय में बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की निर्वाचन प्रक्रिया में सहज एवं सुगम भागीदारी के मद्देनजर सतत अधिकरण के तहत 18 से 19 वर्ष आयु के अर्हता प्राप्त मतदाताओं, महिला मतदाताओं, PWD मतदाताओं, प्रवासी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया गया। रविवार को क्षेत्र के सभी मतदान केंद्र पर मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के लिए लोगों की काफी। JDU में शामिल हुए बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे बोले, नहीं समझता राजनीति, नीतीश का था बुलावा। बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे रविवार को JDU में शामिल हो गए। CM आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुप्तेश्वर पांडे को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बिहार में अगले महीने विधानसभा चुनाव की शुरुआत होने वाली है। राज्य में 3 फेज में वोटिंग होगी। JDU का दामन थामने के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि वह राजनीति नहीं समझते। उन्होंने कहा, मुझे खुद मुख्यमंत्री ने बुलाया था और शामिल होने के लिए कहा। मैं राजनीति नहीं समझता, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जिसने अपना समय समाज के निम्न वर्ग के लिए काम करने में बिताया। बिहार में मिले कोरोना के 1527 मरीज, राज्य में आंकड़ा पहुंचा 1,78,882। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1527 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,78,882 हो गई है।